मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गंगापुर सिटी जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे जयपुर से गंगापुर सिटी के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे गंगापुर सिटी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। राजीव गांधी खेलों का मुख्यमंत्री अवलोकन करेंगे। शाम 5 बजे जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम भी है। देखिए सीएम अशोक गहलोत का आज गंगापुर सिटी दौरा है। लगातार वो खेलों का अवलोकन कर रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण प्रतियोगिता खेलों का अवलोकन खेले चल रहे हैं, जिनका वो लगातार अवलोकन कर रहे हैं। कल भी उन्होंने राजीव गांधी खेल का अवलोकन किया था। फलोदी पहुंचकर कल ग्रामीण शहरी खेली राजीव गांधी खेलों का अवलोकन किया था। फलोदी पहुंचकर आज वो गंगापुर सिटी जाएंगे। गंगापुर सिटी में उनका आज का कार्यक्रम है, जहाँ पर भी वो राजीव गांधी खेलों का अवलोकन करेंगे। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोहर लाल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, लगातार अवलोकन किया जा रहा है। मनोहर जी, प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का आज गंगापुर सिटी में दौरा प्रस्तावित है और बताया जा रहा है कि 2:30 बजे वो जयपुर से चलेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और 3 बजे गंगापुर पहुंचेंगे। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार, हालांकि जो पहले 2 तारीख को जो दौरा प्रस्तावित था उसकी तैयारियों को लेकर सभी से जुटा हुआ था, लेकिन आज जिस तरीके से कल जो भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा को रोका गया है, उसके बाद में भाजपा ने कड़ी चेतावनी दी थी कि हम मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उसमें जो है जो उनका दौरा सफल नहीं होने देंगे। इसको लेकर जो है आज पुलिस और प्रशासन जो है पूरी सजगता के साथ और मुस्तैदी के साथ जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी ओर जो झारखंड का जो हेलीपैड बनाया हुआ है राजकीय महाविद्यालय में, वहां से लेकर और जो सभा स्थल है जहां पर ये कार्यक्रमों का अवलोकन होगा, वहां तक जितनी भी जो रस्ते में जो कॉलोनियां पड़ती है उन सारी कॉलोनियों की जो मार्ग है उन पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके का कोई जैसे कि काले झंडे वगैरह दिखाना है या नारेबाजी करना है, इस तरीके की कोई घटना ना हो। इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मतलब इस चीज को लेकर अलर्ट है और जो भी जो डॉक्टर कोडीलाल के जो समर्थक है उन पर कुछ लोगों को पाबंद कर दिया गया है, कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही है जिन पर संभावना है कि ये लोग माहौल खराब कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो पुलिस और प्रशासन ने बहुत ज्यादा सख्ती कर रखी है और फिलहाल तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 3 बजे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंगापुर सिटी पूरी संभावना है कि वहां जरूर पहुंचेंगे। मनोहर, लगातार अवलोकन किया जा रहा है, कल भी सीएम ने फलोदी पहुंचकर अवलोकन जोधपुर में किया था, आज वो गंगापुर सिटी में अवलोकन करने जा रहे हैं, तो क्या चुनावी कोई घोषणा या फिर कुछ बयान कुछ ऐसा सामने आया है जिससे चुनाव के बारे में कुछ खास जानकारी निकलकर सामने आई हो? मनोहर जी, मैं बताना चाहूंगा प्रीति की आने वाले समय में जैसे कि आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसको और फिर दूसरी बात, अभी जो जितने भी नए जिले घोषित किए गए हैं उन्हीं जिलों पर ज्यादातर मुख्यमंत्री का फोकस है अशोक गहलोत का, कि उन लोगों को लुभाकर अपने वोटों में तब्दील किया जाए, इसी को लेकर ज्यादातर उन्हीं इलाकों में मुख्यमंत्री की सभा हो रही है जहां पर नवीन जिले घोषित किए गए हैं और बिल्कुल इसका चुनावी फायदा पूरा उठाया जा रहा है। लोगों को सरकार की जो योजना है उनके बारे में बताया जा रहा है, सरकार को जो वहां के जो वोटर है उनको कहा जा रहा है कि हमने ऐतिहासिक काम किए हैं, तो अपनी जितनी भी योजना है उनको बताकर और इन ओलंपिक खेलों का जो है एक फायदा उठाकर जो है लोगों को मतदान के लिए अपने लिए प्रेरित किया जा रहा है, वोटरों को लुभाने का पूरा काम किया जा रहा है और इस पर चुनावी फायदा उठाया जा रहा है। मनोहर, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत